मैं आपसे सवाल करता हूँ मैडम, सुबह से अब तक क्या क्या खाया है? हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है आचार्य जी। सुबह मैंने फल खाए थे नाश्ते में, उसके बाद में फिर खाना खाया। क्या खाने में? खाने में दाल चावल रोटी सब्जी। ठीक है, दाल भी और रोटी भी और सब्जी भी जी और चावल भी जी। कभी भी रोटी और चावल इकट्ठे नहीं खाने होते। अच्छा, लेकिन किसी ने नहीं बताया आज तक हमें। हाँ जी, गेहूं और चावल दोनों का डाइजेशन का टाइम डिफरेंट है, दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिफरेंट है जी। दोनों को डाइजेस्ट करने में बॉडी पे लोड पड़ता है जी। एक टाइम पर एक अनाज खाना होता है, या गेहूं या चावल। अच्छा, आपने गेहूं चावल खाए, मुझे गेहूं चावल के पौष्टिक तत्व बताओ, उसमें फाइबर कितना होता है? कितना होता है तो नहीं पता, आप बताओ मैडम। परसेंटेज तो नहीं पता पर फाइबर होता है। आप बताओ आमिर जी। सर फाइबर का तो आमिर जी नहीं पता। हाँ, फाइबर का तो ऐसा, गेहूं में 1% फाइबर होता है जी, चावल में 0.2% फाइबर होता है और मिलेट्स में 9 से 12% फाइबर होता है। मैं इसी प्रश्न पे आने वाली थी आचार्य जी। आज के समय में जो है मिलेट्स को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, जिसको मोटा अनाज कहा जाता है। तो मोटा अनाज जो लोग हम नहीं जानते हैं, जो आज की पीढ़ी है गेहूं चावल ही खा रहे हैं, तो उनको उनके लिए आप थोड़ा सा बताएं कि मोटा अनाज या मिलेट क्यों जरूरी है खाना। देखो, मिलेट्स जो है जिसको मोटा अनाज बोलते हैं, ये हमारे असली अनाज है। 1935 से पहले यही खाते थे हम। अच्छा, अंग्रेजों ने चाल के तहत भारत में गेहूं इंट्रोड्यूस किया, गेहूं खाते थे हम, लेकिन पूरा साल नहीं। आप अपनी मम्मी या दादी या नानी से पूछना, आप तीनों लोग, कि पहले पूरा साल गेहूं खाता था कोई? क्या? अच्छा, कभी मक्की खाते थे, कभी बाजरा खाते थे, कभी रागी खाते थे, कभी गेहूं खाते थे, और कभी भी नव अन्न नहीं खाते थे। मतलब जब गेहूं आता था तब नहीं खाते थे, पहले उसको ड्रमों में भर के रख देते थे, उसको पुराना करते थे, फिर जितने दिन का आपको 7 दिन का चाहिए तो 7 दिन के अंदाजे से निकालते थे, उसको 2 घंटे पहले भिगो के रखते थे, फिर उसको सुखाते थे, फिर 1 हफ्ते का पिसवाते थे। मैं खुद साइकिल पे 1 हफ्ते का आटा पिसवा के लाया हूँ, वो आगे साइकिल के आगे होते ना, जहाँ पे वो उसके ऊपर फंसा के बोरी रखे, 1 हफ्ते का आटा पिसवाते थे, क्योंकि उसमें अगर 1 हफ्ते ज्यादा पिसवाते थे तो कीड़े पड़ जाते थे। आजकल जो मार्केट से आप आटा लाते हो वो 2-2 महीने 4-4 महीने खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें केमिकल डाला होता है, पैकेट डाला होता है, तो वो भी आपके पेट में जा रहा है, कैंसर कारक है। दूसरा, फिर आप गेहूं को धो नहीं रहे और ना उसको भिगो के रख रहे हो, क्योंकि वो तो सीधा ताजा अन्न पीस रहा है, जबकि आयुर्वेद में नव अन्न को गहने से खाने से मना किया गया जी। नव अन्न एलर्जी करता है, नव अन्न ग्लूटेन एलर्जी करता है, नव अन्न ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। एक और चीज बताता हूं मैं, जैसे आप गेहूं खाते हो या चावल खाते हो, 2 घंटे के अंदर सारा ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है। तो अगर एकदम ग्लूकोज ब्लड में आएगा तो उसके उसको न्यूट्रल करने के चक्कर में आपके पेनक्रियास को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम स्पाइक आया तो एकदम कंट्रोल करने के लिए उसको इंसुलिन याद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मिलेट्स खाते हो तो 8 घंटे में धीरे धीरे पूरा दिन 8 घंटे तक लगातार वो ग्लूकोज छोड़ता है ब्लड में, उसको स्मार्ट अनाज बोलते हैं। तो इसीलिए जो मिलेट्स खा रहे हैं उनको डायबिटीज भी नहीं हो रही। अच्छा, मिलेट्स को अंग्रेजों ने बड़ी चाल से पक्षियों का भोजन घोषित कर दिया, जबकि वो हमारा भोजन था जी। मिलेट्स में क्या है? कंगनी है, हरी कंगनी है, कोदरा, जो गुरु नानक देव जी की गुरु ग्रंथ साहब है उनकी कुछ साखियां हैं। तो एक साखी है, उसमें गुरु ग्रंथ साहब जी ने बहन भागो के घर रोटी खाई है, तो उसके यहाँ पे उन्होंने कहकर कोदरे की रोटी मांगी है, बकायदा कोदरा नाम लिखा हुआ है। पूरे गुरु ग्रंथ साहब में कहीं गेहूं नहीं लिखा हुआ।